हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलू मटर गोभी गाजर का पुलाव। ये हमने एक कटोरी चावल लिए हैं, इसको हमने साफ करके अच्छे से धो लिया है। एक हमने प्याज लिया है, ये हमने आलू गोभी मटर लिए हैं, ये हमने थोड़ी अदरक ली है लंबे लंबे स्लाइस में। हमारा तेल गर्म हो गया, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे। ये हमने इसमें काली मिर्च, 5-6 काली मिर्च डाली है, एक लौंग डाला है और काली वाली इलायची डाली है थोड़ी सी। ये हमने एक तेज पत्ता डाला है, पिंक ब्राउन करेंगे थोड़े हम प्याज। अब हम वेजिटेबल डालेंगे, ये हमने अदरक के स्लाइस डाले हैं। अब हम इसमें राइस डालेंगे, उसको थोड़ा हम फ्राई करेंगे अच्छे से, थोड़ा भूनेंगे हम इसको। देखो दोस्तों, हमारा चावल भून चुका है। चावल को थोड़ा ज़रूर भूनना चाहिए, फिर वो टूटता नहीं है चावल। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप नमक की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 पिंच हम लाल मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये 2 हमने हरी मिर्च डाली है और ये हमने 3 कटोरी पानी डाला है। 3 कटोरी पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि 1 कटोरी हमारे चावल हैं और 2 कटोरी हमने चावल के लिए पानी डाला है। इसमें हमने वेजिटेबल डाली हैं, इसलिए हमने 1 कटोरी एक्स्ट्रा पानी डाला। देखो दोस्तों, हमारा पुलाव बन रहा है, कढ़ाई पुलाव तैयार है। हमने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है, आपको भी सेंधा नमक खाना चाहिए, सिंपल नमक नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक बहुत हेल्दी होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुलाव ज़रूर खाएं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। देखो दोस्तों, हमारा कढ़ाई पुलाव तैयार है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़।